कांधार कांड पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस से मेरे कुछ सवाल है और मुझे लगता है थोड़ा फैक्ट फाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, इतिहास में पीछे भी झांक के देखने की ज़रूरत है क्योंकि अर्धसत्य बहुत ही ज़्यादा है, झूठ बहुत ज़्यादा आजकल बिक रहा है और उनकी सच्चाई सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको याद है कि अटल जी के टाइम में कंधार हाईजैक हुआ था 1999 में, उस समय 166 यात्री उसमें बंधक बनाए गए थे जिसमें कि लिस्ट दी गई आतंकवादियों के तरफ से। सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जिसमें कांग्रेस और बाकी सारे विपक्ष के दल के नेता, बड़े नेता उसमें शामिल हुए जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे और विपक्ष के तमाम, कांग्रेस के तमाम नेता थे। उस समय सबकी सहमति से, बल्कि कांग्रेस के कारण ही मसूद अजहर सहित तीन खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय हुआ। तो 166 आदमियों को बचाने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए तीन खूंखार आतंकवादी उस समय छोड़े गए जिसमें कि सारे दलों की सहमति थी। अब क्या आपको पता है कि कांग्रेस सरकारों के समय कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदारों को छुड़ाने के बदले 60 से अधिक आतंकवादियों को छोड़ा गया है, खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया है, और ऐसे एक दो नहीं 6 मामले हैं। आप इसको फैक्ट चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि सही है या गलत है, आप चेक करके बिल्कुल मेरे को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ। पहला, नाहिदा सोज जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज की सुपुत्री है और जिसका अपहरण 1991 में किया गया था और उसे छुड़ाने के लिए 5 दुर्दांत आतंकवादियों को बिना शर्त छोड़ा गया था। दूसरा, तसद्दुक देव जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद का साला है जिसका भी 1991 में अपहरण किया गया था और उसे छुड़ाने के लिए 3 खतरनाक आतंकवादियों को केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था। तीसरा है मुस्तफ़ा असलम जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष गुलाम रसूल कार का दामाद था और जिसका 1992 में अपहरण किया गया था और जिसको छुड़ाने के लिए 3 खतरनाक आतंकियों को बिना शर्त छोड़ा गया था। चौथा है नसरुल्ला जो पूर्व मंत्री जीएम मीर लाजन का बेटा था जिसका 1992 में अपहरण किया गया था जिसे छुड़ाने के लिए 7 खतरनाक आतंकवादियों को बिना शर्त छोड़ा गया था। पांचवा, 1993 में 1 सप्ताह तक हजरत वल में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के बाद, पता करिएगा ये क्या हुआ था, हजरत वल में जो आतंकवादियों का हुआ था कांड, आपको एकदम बिल्कुल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बहुत सारे कल सोर्सेज है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन लोग क्या है इन सब के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है क्योंकि हमारे देश में क्या है, सोने की एक आदत है जिसके कारण बहुत आसान होता है यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना या अर्धसत्य पे उनको कंफ्यूज कर देना। पता करिएगा, 1 सप्ताह तक वहाँ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के बाद दर्जनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान भाग जाने का रास्ता देने के लिए सेना को मजबूर किया करने वाली केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार का बहुकर्म जिसे आज देश भूला नहीं है, वो देश के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा एक गलत स्टेप था जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को रास्ता दिया गया उनको वापस पाकिस्तान जाने के लिए। यह फैसले लेने वाली कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री कौन थे, शरद पवार, विदेश मंत्री कौन थे, प्रणब मुखर्जी, गुलाम नबी आज़ाद संसदीय कार्य उद्यान मंत्री थे, ये सारे उस समय के सारे मंत्रीगण थे। ये सारे कांड मैं आपको बता रहा हूँ 1991-92 का। छठवां है शाहिद लतीफ जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भारत की जेलों में बंद 25 आतंकवादियों को भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंपा था, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने। उन 25 आतंकवादियों में शाहिद लतीफ का नाम भी शामिल था जिसे कि कंधार हाईजैक में
उस समय भी उसको छुड़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन अटल सरकार ने उस समय छोड़ा नहीं था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गुडविल जेस्चर के नाम पे उसके साथ साथ बाकी 24 यानी टोटल 25 आतंकवादियों को छोड़ा और पाकिस्तान में उसे उन सबों को वापस जाने दिया गया। इसी यही शाहिद लतीफ़ ने फिर बाद में पठानकोट हमले को अंजाम दिया। अब आप समझिए, इतने सारे आतंकवादियों, टोटल 60 आतंकवादियों को छोड़ा गया और सबको पाकिस्तान जाने दिया गया, क्या इसके पीछे मंशा थी? कहाँ था आपका नेतृत्व? इतनी आसानी से आतंकवादियों के सामने हमारी सरकारें घुटने टेकती रही, जिसके कारण इन आतंकवादियों का और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं मनोबल काफ़ी बढ़ा और देश का भी मनोबल इससे काफ़ी डाउन हुआ, मोरल डाउन हुआ, क्योंकि लगातार घाव पे घाव मिलते रहे और हम कहीं ना कहीं सरेंडर करने की स्थिति में रहे हमेशा। आपको जितनी भी ये घटनाएं मैं बता रहा हूँ, सब में कहीं ना कहीं हमने उनको छोड़ा, जाने दिया, कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जिससे उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। और उसके बाद भी मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग जिस तरह से बयानबाजी करते हैं और उनकी बयानबाजी के कारण कहीं ना कहीं उनको उनके इतिहास के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो आज अगर किसी सरकार ने आतंकवादियों को और पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी था, ये कदम आज से 20 साल 25 साल पहले उठ जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही किसी सरकार ने हिम्मत करी और इनको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिया गया है कि उन सब में खौफ है और ये बहुत ज़रूरी था, मैं ऐसी सरकार का बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। और मैं लगातार कांग्रेस के ऐसे अर्धसत्य झूठ के पुलिंदे को आपके सामने उजागर करता रहूँगा। कुछ भी ऐसे किसी भी केस के बारे में अगर आपको जानकारी लेना हो, मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए उसके बारे में विशेष विवरण ज़रूर बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।